नमस्कार, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं अजिता। इन दिनों पूरी दुनिया में दहशत मचाने वाले जानलेवा वायरस कोरोना का एक संदिग्ध मरीज उज्जैन के शासकीय माधवनगर अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि यह मरीज 13 जनवरी को चीन से उज्जैन आया था और चाइना के वुहान शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम ने संदिग्ध मरीज का ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है और अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मरीज पर नजर रखी जा रही है। दरअसल कोरोना वायरस चीन में महामारी के रूप में फैल चुका है। जानकारी के अनुसार अभी तक इस वायरस से 106 लोगों की मौत हो चुकी है। इस जानलेवा वायरस का एक संदिग्ध मरीज उज्जैन में पाए जाने से दहशत का माहौल बना हुआ है। संदिग्ध मरीज छात्र और उसकी मां को शासकीय माधवनगर चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। तो एहतियातन तौर पे हम लोगों ने उस व्यक्ति को अपने अस्पताल में भर्ती कराया है और साथ ही उसके ब्लड सैंपल हम लोगों ने लिए हैं और सैंपल को जांच में भिजवाया है, जिससे कि ये थोड़ा कंफर्म हो जाए कि वो किस प्रकार का केस है, क्योंकि इसमें कोरोना वायरस जो अभी संक्रमित बीमारी है उसका कोई केस तो नहीं है। उसमें मेरे ख्याल से जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी वो क्लियर हो जाएगा। ये अकेला एक केस था जो हमारे यहाँ उस इफेक्टेड रीजन से यहाँ पर आने का एक केस आया हमारे पास। सर, हिंदुस्तान से जो भी बाहर से आ रहा है उनको किस प्रकार सचेत किया है? हालांकि हम लोगों ने जो वहाँ आसपास के एरिया हैं जिनके टच में वो व्यक्ति आया है उनके साथ भी हम लोग संपर्क में हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसका संक्रमण फैला हो। साथ ही इसको लेकर लगातार हम लोग ये एक मैसेज चला रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर देखने में आता है तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को एवं प्रशासन को सूचित करें। डॉक्टरों ने मरीज के ब्लड सैंपल लेकर पुणे की लैब में जांच के लिए भेजे हैं। बता दें कि चाइना से भारत आने वाले लोगों की जांच के लिए एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, लेकिन यह छात्र उसके पहले ही भारत लौट आया था, इसलिए इसकी जांच नहीं हो पाई थी। अभी कोई इलाज नहीं चल रहा है, अभी मुझे सस्पेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं चाइना के वुहान शहर में पढ़ रहा था। इंडियन गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के रिपोर्ट्स आज आ जाएंगे शाम तक, और फिर उसके बाद मुझे तो भी आएगी नेगेटिव आएगी रिपोर्ट, उसके बाद यहाँ से रिलीव कर देंगे। आप चाइना से कब आए? मैं चाइना से आया था 13 जनवरी को, और उसके पहले मैं 11 जनवरी को चीन के वुहान शहर से निकल चुका था, और मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मुझमें उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है, पर फिर भी गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है। आपको बीमारी के बारे में कब मालूम पड़ा, अभी क्या हो रहा है आपको? कोई सिम्टम्स नहीं है, बहुत मामूली से सिम्टम्स भी नहीं थे, पर स्क्रीनिंग टेस्ट करना था और गवर्नमेंट का ऑर्डर था, तो ये पूरा इंटरनेशनल मुद्दा हो जाता है, इसलिए तो अभी बस। चाइना में इस वायरस के तेजी से फैलने के बाद यह छात्र भारत लौट आया था। चूंकि यह छात्र चाइना के वुहान शहर में रह रहा था जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, इसलिए यह मामला काफ़ी गंभीर बना हुआ है। डॉक्टरों की टीम अगले 28 दिनों तक मरीज पर नज़र रखेगी। मामले को गंभीरता से लेते हुए उज्जैन कलेक्टर ने माधवनगर अस्पताल पहुंचकर मरीज की जानकारी ली और अस्पताल स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए। हालांकि मरीज की ब्लड सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही कोरोना वायरस की पुष्टि हो जाएगी। ये अभी मरीज जो है ये मेले चाइना से भी आए थे, तो अभी कोरोना वायरस का ज़्यादा स्प्रेड है इसलिए उनको इंटेंशनल क्वारंटाइन के तहत यहाँ पर रखा गया है, और जो भी सीनियर डॉक्टर है वो उनको देख रहे हैं और वो जो हमें आदेश दे रहे हैं उसके हिसाब से हम उनका ट्रीटमेंट जो भी हम समय समय पर कर रहे हैं। कब से भर्ती है ये? यहाँ पर तो कल आए थे दोपहर में।